दरभंगा अपराधियों की बड़ी वारदात एक बार फिर गोलियों से गूंज उठा दरभंगा। दरभंगा के रानीपुर एनएस 57 के पास बिहार शरीफ निवासी और दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बंगलागढ़ में रहने वाले कुशेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ शाही को पटना से दरभंगा आने के क्रम में बाइक सवार अपराधियों के द्वारा 8 गोलियां चलाई गई। वो शाही जी नाम का है जो हमारे यहाँ गोपालेपुर में उनका प्लांट चलता है, वो शायद घर से या पटना से कहीं से आते होंगे, यहाँ प्लांट पर अक्सर हाँ कभी कभी आते हैं। यहाँ एक रास्ते हमारा रानीपुर चौक है, यहाँ चौक पास जब आए हैं तो कोई चार चक्का से उनका पीछा किए हैं और यहीं पर ओवरटेक करके उनको रोक के गोली मारे हैं और वो फरार हो गए हैं, दिल्ली मोड़ की तरफ भाग गए हैं। इस घटना के पीछे पारिवारिक कारण सहित पुलिस कई बिंदुओं पर छानबीन कर रही, SSP ने दी जानकारी। वही दूसरी ओर रानीपुर के मुखिया ने इस मामले के बारे में कहा कि शाही अपने चार चक्का वाहन से कहीं से अपने कारखाने पर जा रहा था कि इसी दरमियान रानीपुर चौक पर अपराधियों ने शाही की गाड़ी को ओवरटेक कर गोली मारी। दो गोली गाड़ी के शीशे पर मारी गई जो कि शाही को नहीं लग पाया, तो अपराधियों ने फिर गाड़ी के खिड़की के शीशे को फोड़कर शाही के सर में गोली मारी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तक के अनुसंधान में आ रहा है, पुलिस जो है सभी बिंदुओं पर अनुसंधान जो है कर रही है। हमारी टीम्स जो है वो जिला अंतर्गत और जिला के बाहर विभिन्न स्पॉट्स पर छापामारी कर रही हैं, निकली हुई हैं छापामारी के लिए। साइंटिफिक जो है टीम FSL की भी घटनास्थल पे पहुंच चुकी। 24 दिसंबर को दरभंगा के एयरपोर्ट बिल्डिंग के शिलान्यास को लेकर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विधिवत पत्र जिला प्रशासन को मिल चुका, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल। इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि 30 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर राशि जमीन मालिक को दिया जाएगा। शिलान्यास को लेकर तैयारी अंतिम चरण में। मुख्य दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन से नागरिक विमानन सेवा प्रारंभ करने के लिए दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन की जो जमीन है उसी पर अंतरिम रूप से अनापत्ति प्राप्त करके प्रारंभ किया जा रहा है और ये इसका अंतरिम टर्मिनल और रनवे की रिकारपेटिंग ये कार्य जो है होना है और इस कार्य का शुभारंभ या हम लोग कहें कि शिलान्यास उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 24 तारीख को किया जा रहा है। और इस दरभंगा DMCH को एम्स देने हेतु DMCH के 200 एकड़ जमीन का सर्वे से केंद्र सरकार को भेज दिया गया। इस संबंध में DM ने बताया कि DMCH में 227 एकड़ जमीन में से 200 एकड़ जमीन का रिपोर्ट दिशा निर्देश मांगा गया और 27 एकड़ जमीन पर DMCH के विभिन्न विभाग का संचालन होगा। उस तरह की जमीन चिन्हित करके भेजना है 200 एकड़ और वो हम लोगों ने DMCH की जो उपलब्ध जमीन है उसमें से 200 एकड़ चिन्हित करके भेज दिया है और अभी कंसल्टेंट जो है वो सर्वे कर रहे हैं और उसकी सूटेबिलिटी की रिपोर्ट एक सबमिट करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई। 27 एकड़ जमीन लगभग बची है जिसमें महत्वपूर्ण विभाग उसके हैं, उसके बाद उसके आधार पर हम लोग देखेंगे आगे। बिहार श्रमजीवी पत्रकार संघ का एक शिष्टमंडल दरभंगा जिलाधिकारी के साथ मिलकर 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर जिलाधिकारी ने भी बिंदुवार विषय पर चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर राज्य स्तर के टीम के साथ सरकार के वार्ता करने का अनुरोध किया और कई मुद्दों पर दरभंगा के जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी को आगे आकर अधिकारियों के साथ संबंध बनाने हेतु कार्य करने की बात कही। पत्रकार यूनियन के सभी सम्मानित सदस्य आज मुलाकात किए हैं और एक ज्ञापन सौंपे हैं और इस ज्ञापन में कुल 13 मांगे हैं, इसमें से हम लोगों के जिले से संबंधित मुख्य रूप से 3 मांगे हैं और शेष जो है वो राज्य स्तर से संबंधित है। तो जो यहाँ की मांगे हैं उस पर हम लोग प्रयास करेंगे जल्द से जल्द उसका पूरा किया जाए और शेष के लिए हम लोग इसको सक्षम प्राधिकार को भेजेंगे, जल्द ही भेजेंगे। शनिवार के यूनेस्को क्लब के द्वारा पर्यावरण बचाओ जन जागरण रैली निकाली गई। यह रैली CM साइंस कॉलेज से निकली जो दरभंगा टावर तक गई और एक नुक्कड़ नाटक कर लोगों के पर्यावरण बचाओ पर जागरूक किया गया। इस अवसर पर सदर अनुमंडलाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता, नगर विधायक संजय सरावगी, महापौर बैजयंती देवी खेरिया, कुल सचिव
कर्नल निशित कुमार राय सहित यूनेस्को क्लब के सदस्य और मारवाड़ी महिला के सदस्य मौजूद थे। पॉलीथीन पर बैन लग चुका है और पॉलीथीन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसीलिए कोई भी पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें। इसीलिए हम लोग जन जागरण रैली, चाहे वह सामाजिक संस्था हो चाहे कोई भी निकाल रहे, और पॉलीथीन से नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। इसीलिए कहीं भी जाए झोला लेके जाए, जूट का झोला लेके जाए, कपड़ा का झोला लेके जाए, और यह कानूनन अपराध भी हो चुका है। इसीलिए जो है सब लोग को मिलकर यह जो पॉलीथीन बैन सरकार ने किया है, अन्य राज्यों में तो बहुत पहले लग चुका है लेकिन बिहार में अभी बैन लगा है, तो सब लोग संकल्प लें कि हम पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे। 14 दिसंबर को कुलाधिपति के यहाँ सभी कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुलाधिपति ने सभी कुलपतियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा था कि सभी अपने अपने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र में सुधार लाएं और सत्र नियमित करें। इसको लेकर शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। महिम जी के यहाँ जो है मीटिंग हुई थी कुलपतियों की जो है, जिसमें उस दिन कुलपति महोदय नहीं थे तो हमारे प्रतिकुलपति महोदय ने अटेंड किया था, और जो भी कुलाधिपति महोदय के निर्देश थे उन्हीं निर्देशों को आज संबंधित अधिकारियों को बताया गया। 29 और 30 दिसंबर को लालबाग स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में फूलों की बगिया सजेगी। इस बारे में नॉर्थ बिहार हार्टिकल्चर सोसाइटी के द्वारा संवाददाता सम्मेलन कर दी गई जानकारी। जानकारी देते हुए लता खेता ने कहा कि इस बार पुष्प प्रदर्शनी का 27वां साल है। इस प्रदर्शनी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा रहा है। इसके लिए गमलों का कलेक्शन 27 दिसंबर को कर ली जाएगी और 28 दिसंबर को जज के द्वारा अच्छे गमलों को चुना जाएगा। वही इसका उद्घाटन 29 दिसंबर को होगा, जिसे आम लोग देख सकेंगे। 29 तारीख को सुबह में, चूंकि इस बार जो हमारे बच्चों का कई कॉम्पिटिशन होने जा रहा है, जैसे पेंटिंग है, टेबल डेकोरेशन है, ट्रे डेकोरेशन है, और साथ ही इंटर फ्लावर पॉट कंपटीशन है, तो ये 3-4 कैटेगरी में बच्चे सब आ रहे हैं। इसलिए हम लोग 29 तारीख को जो है सुबह में इनॉग्रेशन, जो कि हमारा 10:30 के आसपास होगा, हमारे VIP द्वारा मतलब प्रांगण का विजिट और जो प्रदर्शनी में मतलब ये प्रदर्शित एग्जीबिशन सब देखेंगे, उसके बाद इनॉग्रेशन होगा। इनॉग्रेशन बच्चों के बीच जो पारितोषिक वितरण होना है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम लोग 29 तारीख को सुबह में करेंगे। दरभंगा रोज पब्लिक स्कूल लहरियासराय शाखा के सीनियर ब्रांच विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मौके पर बच्चों ने रॉकेट, बाल विवाह एवं आधुनिक परिवेश और अंतरिक्ष के साथ पर्यावरण पर विशेष आकर्षक प्रदर्शनी लगाकर सभी का दिल जीता। बच्चों में इतना ज्यादा प्रकृति से लगाव और जो भी जितनी यहाँ बच्चों ने बना रखा है, मॉडल बनाया है, दो बातें स्पष्ट रूप से है, एक तो देश के प्रति उसका प्रेम और दूसरा प्रकृति से लगाव। मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में पूर्वी अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट की शुरुआत शनिवार को नगर विधायक संजय सराबगी के द्वारा किया गया। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, खेल पदाधिकारी अजय नागराम, कई बार मिथिला विश्वविद्यालय मेजबान की भूमिका में रहा है। तो महिलाएं आज प्रत्येक क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। एक तरफ देश की सीमाओं पर की रक्षा करने का काम कर रही है, दूसरे तरफ फाइटर जेट प्लेन तक उड़ा रही है चिकित्सा के क्षेत्र में, और आज कोई भी देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें महिलाएं ही अग्रणी भूमिका में रहती हैं। वही अतिथियों ने खिलाड़ियों से रूबरू हुए और इस खेल में 21 विश्वविद्यालय की टीमें हिस्सा ले रही है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की तरफ से और स्वयं की तरफ से बाहर से आई हुई टीमों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि इस टूर्नामेंट के अंतर्गत आप टीम भावना और टीम स्प्रिट और खेल भावना के साथ
खेल का आनंद लेंगे। इस टूर्नामेंट में पूर्वी क्षेत्र के 11 राज्यों से टीमें भाग लेंगी, तो ये क्रिकेट टीम ही एक क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं रहेगा बल्कि एक सतरंगी सांस्कृतिक विविधता को भी यहाँ पे प्रकट करेगा। नए मतदान केंद्र के निर्माण पर 8 बिंदुओं पर समीक्षात्मक बैठक अनुमंडल पदाधिकारी बीरल ब्रजकिशोर लाल की अध्यक्षता में मध्य विद्यालय बालकपुर कुशेश्वर स्थान पूरी प्रखंड में सभी बीएलओ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी बीएलओ को कई दिशा निर्देश दिए गए। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने भरतपुर पासवान टोल, सरजापुर पासवान टोल आदि गांवों में संपर्क टोली के साथ पहुंचकर कई परिवारों से संपर्क किया, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के 4.5 वर्षों के उपलब्धियों से अवगत कराया और प्रत्येक परिवारों को उपलब्धियों की पर्ची समर्पित किया। 12 सूत्री मांगों को लेकर सीएससी केवटी के आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल जारी रखते हुए 21 दिसंबर को दरभंगा जयनगर NH 557B को अस्पताल के समीप करीब 15 मिनट तक रखा जाम। क्रिसमस को लेकर बाजारों की बढ़ी रौनक, खरीदारी को लेकर युवा पीढ़ी के युवक युवतियां विभिन्न गिफ्ट की दुकानों में ग्रीटिंग्स व विभिन्न तरह के उपहार खरीदते आए नजर। बोर्ड पीएसएस से निकलने वाले दरभंगा टावर फीडर से 22 व 23 दिसंबर को विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित, रविशंकर कुमार ने दी जानकारी।